अंबिकापुर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के प्रांगण में संभागीय स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा की गई, जिसमें सभी प्रकार के कठिन आसन का प्रदर्शन बच्चों के द्वारा किया गया। यह आयोजन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सरगुजा संभाग के जसपुर जिला, बलरामपुर जिले व सरगुजा जिले की बच्चे शामिल रहे। इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि सभी प्रकार के खेलों के साथ सभी योगासन को भी भारत सरकार ने मान्यता दी है। देखिए, मुख्य रूप से अभी भारत सरकार ने योगासनों को खेल के रूप में मान्यता दिया है। पहले अन्य खेलों के भांति योगासना खेल में शामिल नहीं था, लेकिन जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तब से योगासना को खेल के रूप में भारत सरकार ने अलग से मान्यता दिया है। इसके कारण योगासना से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, इनके लिए भविष्य निकल कर आया है, एक सुनहरे भविष्य के लिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और खेल और युवा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उनके सहयोग से नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन हुआ है, जो पूरे भारत में कार्यरत है। मेरा नाम आशीष कुमार नायक है। कार्यक्रम योगा नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यक्रम था, जिसमें मैं फर्स्ट आया। उसमें मेरे को पुरस्कार के तरफ से गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट पुरस्कार पाकर मेरे को बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रहा है। भविष्य में एक मैं अंतर्राष्ट्रीय एशिया कप में विजेता मेरा एक सपना है, और मैं अंतर्राष्ट्रीय में बस अच्छे से एक योग सिखाना चाहता हूँ, सबसे बड़ा गुरु बनना चाहता हूँ। अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर दिल्ली के बाद पंजाब और अब छत्तीसगढ़, खास बस्तर में आम आदमी पार्टी ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। बस्तर के 12 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। दंतेवाड़ा में आप द्वारा अहम बैठक में कई चर्चाएं की गई। वहीं आपको बता दें कि 2 सितंबर दिल्ली सेंट्रल जोन प्रभारी राकेश शाह का ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक किया जाना है। इसको लेकर विधानसभा एडवाइजर शुभम सिंह और जिला अध्यक्ष बल्लू भवानी ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। 2023-24 में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के 90 सीटों के लिए इस बार आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। खबर सरगुजा से है, जहां पर इन दिनों शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात भी चोरों ने गांधीनगर थाना क्षेत्र के साई मंदिर के करीब ज्वेलरी दुकान में चोरी करने का प्रयास किया है, जिसका पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि चोर इस बार दुकान का शटर नहीं तोड़ सके और बेरंग ही चोरों को लौटना पड़ा। बहरहाल, पुलिस दुकान के मालिक की शिकायत पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की खोजबीन में लगी हुई है। साथ ही संदिग्ध को भी पकड़कर पूछताछ की जा रही है। थाना गांधीनगर में दरमियानी रात सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ज्वेलरी शॉप की दुकानों पे दो तीन जो अलग अलग जगहों पे दुकानें जो बनारस रोड साई मंदिर के पास स्थित, उन दुकानों पर किसी अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर एवं सेंधमारी करने का प्रयास कर चोरी करने का प्रयास किया गया है, जिस पर थाना गांधीनगर में धारा 457, 380, 511 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और जहाँ जहाँ पे भी ये घटना हुए, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य जो वहाँ पे मौके पे जो चश्मदीद थे, जिन्होंने भी देखा, उनसे संबंधित पूछताछ की जा रही है। एक दिन मेरे दुकान से एक दिन पहले सामने रोड में दुकान में चोरी के प्रयास किया गया, 4 ताला तोड़े थे। और रात में मेरे दुकान में 1 बजे के लगभग आए हैं, ताला तोड़ने का प्रयास किए, फिर नई ताला टूटा तो उसको गड्ढा कर रहे थे, मतलब शटर कवारने के लिए। अब मेरे जस्ट सामने राज ज्वेलर्स है, उनका भी ताला तोड़ा गया है। अब हम लोग थाने के बगल में रहने के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर भिलाई से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मदर्स मार्केट का लोकार्पण किया है। मदर्स मार्केट के प्राइम लोकेशन में नेशनल हाईवे पर स्थित है। मार्केट में 27 दुकानें हैं, जिसमें 21 दुकानें स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं की आवंटित की गई है। यहाँ पर धनवंतरी जेनेरिक स्टोर भी आरंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने मदर्स मार्केट के पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने से पूरा परिवार मजबूत होता है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस पूरे कैंपस में महिलाएं अपना व्यवसाय करेंगी और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगी। जिला प्रशासन और निगम प्रशासन की इस अनुभवी
और अभिनव पहल की मैं प्रशंसा करता हूं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी चर्चा की। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। एयरपोर्ट से निकलते ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, जिसके बाद वह नया रायपुर स्थित NNI के नए भवन कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद गृह मंत्री दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोला के मौके पर नंदी बैल की पूजा की। मोदी पीस ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर भी यह सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। पुस्तक विशेषज्ञों द्वारा लिखित तार्किक विश्लेषण आलेखों का संग्रह हुआ है। उसको एक पुस्तक के अंदर संकलित किया गया है, मोदी 820, और आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने इसका परिचय रखा गया है। वैसे तो पुस्तक का विमोचन हो चुका है, परंतु आज छत्तीसगढ़ में पहली बार इस पुस्तक पर एक संवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को इसका परिचय देने का कार्यक्रम। मित्रों, मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम, इसके बारे में देश की जनता के जनता को बताने की कोई जरूरत नहीं। देश के किसी भी कोने में, किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी जाति के व्यक्ति, अगर आप नरेंद्र मोदी जी को बारे में पूछना चाहेंगे तो हर कोई काफी कुछ बता सकता है। मोदी को हर व्यक्ति ने अपने अपने नजरिए से देखा है। किसी को वो गरीबों का कल्याण करने वाला एक समाज सेवक दिखाई पड़ता है, किसी को देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला एक मजबूत नेतृत्व दिखाई पड़ता है, किसी को सालों पुरानी हमारी संस्कृति के गौरव को विश्व के अंदर हजारों सूर्य के समान आभा के साथ पहुंचाने वाला एक तपस्वी दिखता है, किसी को योग को पूरे विश्व में पहुंचाने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता है। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जहां बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय रायपुर दौरे पर है। NIA के नए भवन का उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही PM मोदी के द्वारा देश को आगे बढ़ाने के लिए किए कामों की भी तारीफ की गई। NIA के नए भवन का किया गया उद्घाटन, एक दिवसीय दौरे पर है अमित शाह। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको बता दें कि NIA के उद्घाटन में पहुंचे थे, NIA के नए भवन के उद्घाटन में पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर रायपुर में है गृह मंत्री अमित शाह।